नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। मैं हूं चंद्र प्रकाश नीरज। अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आठवीं पास होना जरूरी नहीं होगा। यह निर्णय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लिया गया है, जिसमें देश में चल रहे ड्राइवर्स की कमी पूरी होगी। करीब करीब 22 लाख जो ड्राइवर्स की कमी है वो पूरी की जाएगी। साथ ही साथ जो ढुलाई का काम भी है उसे भी तेजी आएगी। यह निर्णय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 1989 मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके लिया गया। यह निर्णय एक मीटिंग के दौरान लिया गया, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि उन हरियाणा में एक जगह है मेवात, जहां पे लोग पिछड़े हैं और पिछड़े होने के कारण उनको ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग स्किल तो आती है, लेकिन पर उनके पास पढ़ाई ना होने के कारण वो इसमें पास नहीं हो पाते। साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले लोग कुछ पैसे दे करके आठवीं पास का सर्टिफिकेट बना करके यह लाइसेंस ले लेते थे, लेकिन पर अब उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करके अभी आठवीं पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इससे सड़क सुरक्षा में कमी तो नहीं आएगी? जी, आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं आएगी। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब भी स्किल टेस्ट देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इससे उनको यह समझ में भी आएगा कि जब वो रोड पे चल रहे हो तो उनको ज़रूरी जो साइंस है वो समझ में आ सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे कागजात भी वो ना भूलें और अपने ज़रूरी की चीज़ें वो रख साथ में रख सकें जो ड्राइविंग के काम आती है।